हेलो स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल 1.18 व्हाट वी हैव अ स्क्वायर, लेट मी नेम इट ए बी सी डी। वी हैव अ स्क्वायर ए बी सी डी, ईच ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड अबव दैट स्क्वायर लेट वी हैव अ चार्ज Q is equal to 10 micro coulomb। तो हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर के सेंटर से from the center of this square we have a charge। इस स्क्वायर के सेंटर से कुछ ऊपर हमारे पास क्या एक चार्ज है और वो चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम्ब ये चार्ज है। तो हमसे इस चार्ज की वजह से ड्यू टू दिस चार्ज हमसे इस स्क्वायर एबीसीडी का क्या पूछा है फ्लक्स पूछा है। तो लेट डू द न्यूमेरिकल। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये आ चुका है। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम आपको मालूम है इन अ क्यूब वी हैव 6 फेसेस। तो इस स्क्वायर को एक फेस लेते हैं और इसके अलावा बाकी 5 फेसेस भी ऑलरेडी हम बनाते हैं। तो हम एक वी विल ड्रॉ अ, तो वी विल ड्रॉ अ क्यूब तो हमने क्या करा बाकी 5 फेसेस और ड्रॉ करके हम वी मेड अ क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाकी जो फेसेस हैं उनकी साइड भी क्या हमने ले ली 10 सेंटीमीटर और ये जो चार्ज है 10 माइक्रो कूलम्ब ये इसके सेंटर से है 5 सेंटीमीटर अबव। जो चार्ज है वो इस स्क्वायर के सेंटर से कितना ऊपर है 5 सेंटीमीटर और जो बाकी फेसेस हमने बनाए दे ऑल आर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिक ये चार्ज है वो इस बॉक्स के अंदर क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो यानी हमने एक बॉक्स बना लिया, एक क्यूब बना लिया जिसके अंदर ये चार्ज क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा और जब किसी क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज होता है तो उसका फ्लक्स का फॉर्मूला हमें आता है। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फ्लक्स किसका, किसी भी क्लोज बॉडी का इज इक्वल टू चार्ज, कैसा चार्ज, टोटल ये चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी, ये बहुत जरूरी है, ये कौन सा चार्ज होता है वो सारा चार्ज जो क्लोज बॉडी के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे बॉक्स का जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा। अब ये जो क्लोज बॉडी है ये क्लोज बॉडी आपकी क्या है, एक क्यूब ही तो है बेटा। तो मुझे एक बात बताइए, जो फ्लक्स होगा किसका, सरफेस ए बी सी डी का, वो इस पूरे क्लोज बॉडी के फ्लक्स का, क्लोज बॉडी के फ्लक्स का जो हमारा किस फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में, उसका बेटा क्या होगा 1/6 होगा। तो ये है पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स का फॉर्मूला और क्लोज बॉडी क्या है हमारी क्यूब और क्यूब में कितने होते हैं 6 सरफेस। तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स ये यानी पूरे 6 सरफेस का फ्लक्स ये, तो एक सरफेस का क्या होगा पूरी बॉडी के फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दो 6 से डिवाइड कर दो। चलिए इज इक्वल टू क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन और किससे डिवाइड करना है 6 से। ओके तो Q की वैल्यू कितनी है बेटा 10 माइक्रो, माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6, 6 इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो फ्लक्स ऑफ सरफेस ए बी सी डी, तो वो आएगा आपका 1.8 इंटू 10 की पावर 5. When you will solve this all data, तो you will get 1.8 into 10 की power 5. और flux की unit क्या होती है? ये आपको पता होना चाहिए. Newton per coulomb meter square. So this is your required answer. तो पूरी body में से कितना flux आएगा? इतना. लेकिन अगर हम बात करें केवल इतने से इस सरफेस की, तो जो एरिया एबीसीडी है उसमें से इतना फ्लक्स निकलेगा. तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है. पहले हमने क्यूब बनाया, क्यूब का फ्लक्स इतना, तो सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? पूरे क्यूब के फ्लक्स का 1/6. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन.